उसकी जानकारी ली जा रही है। खरगोन जिला मुख्यालय पर जिले के किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया है कि मार्च 2019 में ड्रिप इन लाइन का पंजीयन करवाया था, लेकिन हम किसानों को लोकसभा चुनाव 2019 के चलते इसकी स्वीकृति नहीं दी गई थी। वहीं इन दिनों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बिना सूचना के हम किसानों के पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं, इसलिए हम किसान अब चाहते हैं कि हमारे जो पंजीयन निरस्त किए गए हैं उन्हीं पर हमें स्वीकृति प्रदान की जाए, क्योंकि नए पंजीयन करवाने में हम किसानों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या कारण है जिसके कारण ये ऐसा हो रहा है? अब ये कारण तो अभी शासन ने बताया कि ये कारण क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो सोच रहे हैं कि ड्रिप इरीगेशन से लोग खेती करें और पानी बचे और पानी बचाने के साथ साथ लागत भी बचे। अब न जाने ये राज्य शासन ने किस कारण इसको निरस्त करा है। अब हम किसानों को जैसे पता चला कि हम उसके लिए ज्ञापन के लिए यहाँ पर आए हैं। अब ये भीकन गांव ला के कम 500-700 किसानों के साथ ये हुआ है।